नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाली 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को एक खगोलीय घटना होने वाली है, और वो खगोलीय घटना क्या है, खटग्रास चंद्र ग्रहण, मतलब चंद्र ग्रहण होने वाला है। जहां एक और पूरा भारत देश गुरु पूर्णिमा मना रहा होगा, उसी समय चंद्रमा ग्रहण से जूझ रहा होगा। तो आज हम हमारी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्र ग्रहण, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है, वो किन किन राशियों के लिए अच्छा नहीं है, किन किन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और भारत देश में या विश्व भर में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, और इसका समय क्या रहेगा, मतलब कब से स्टार्ट होगा और कब तक ये चलेगा, इसके बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। और ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमें इस चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि चंद्र ग्रहण का किसी भी प्रकार का बुरा असर हम लोगों पर ना पड़े। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ साथ दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि कई जगहों पर दिखाई देगा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भारत पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से भारतीय राजनीति पर पड़ सकता है। राजनीति से जुड़े वे लोग जिनकी राशि मेष, वृष, कन्या, वृश्चिक, धनु व मकर है, उन्हें विशेष लाभ होने के आसार है। चूंकि यह चंद्र ग्रहण मंगलवार और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पड़ रहा है, तो इसके प्रभाव से राजनीतिक उथल पुथल के साथ ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति भी बन सकती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का किस प्रकार से असर होगा और कितना होगा, किसको क्या फायदा हो सकता है इस चंद्र ग्रहण से, अब ये जानते हैं। राशि अनुसार मेष राशि वालों को इस वर्ष सम्मान की प्राप्ति होगी इस चंद्र ग्रहण के कारण। वृष राशि वालों को कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि वालों को साथी का कष्ट, साथी मतलब जो भी आपका पार्टनर है उनको किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है जिनकी राशि मिथुन है। कर्क राशि वाले के लिए ये साल बहुत ही उत्तम रहेगा, यानी कि ये चंद्रग्रहण आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सिंह राशि वालों को कुछ प्रकार की या किसी काम की चिंता रह सकती है इस चंद्रग्रहण के कारण। कन्या राशि वालों को अपने सभी कामों में, चाहे वो व्यापार हो या कुछ भी हो, उसमें हानि का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए ये चंद्रग्रहण संतोषजनक रहेगा, ना ज्यादा आपको प्रॉब्लम जाएगी और ना ही बहुत ज्यादा खुशी होगी, एक संतोष का वातावरण बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को किसी प्रकार की क्षति हो सकती है, चाहे वो फिर धन की क्षति हो या आपके स्वास्थ्य की क्षति हो, किसी प्रकार की क्षति हो सकती है, उसकी संभावना है। धनु राशि वालों को धोखा मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखें आप किसी भी इंसान से किसी प्रकार की पार्टनरशिप या किसी प्रकार का कुछ भी काम कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि उससे सामने वाले से आपको धोखा मिले। मकर राशि वालों को भी हानि का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभकारी होगा, यानी आपको हर दिशा से लाभ की ही प्राप्ति होगी। और अगर बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि वालों को भी सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। तो ये था 12 राशियों के हाल, मतलब चंद्र ग्रहण का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। ये संक्षेप में ऐसा भी कह सकते हैं कि मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वाले पर चंद्र ग्रहण का अच्छा असर होगा, और मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि पर ठीक ठाक नहीं रहेगा, यानी इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। और कर्क, धनु और कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव मिश्रित रहेगा, यानी ना ज्यादा अच्छा और ना ज्यादा खराब। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत में चंद्र ग्रहण कब से कब तक दिखाई देगा। तो भारत में चंद्र ग्रहण 16 तारीख की रात्रि 1:31 से प्रारंभ होगा, यानी कि उस समय ग्रहण शुरू होगा, और रात्रि के 3 उसका मध्य होगा, यानी आधा हो चुका होगा, और 4:30 पर इसका मोक्ष होगा। मतलब शुरू होगा 1:31 पे, आधा यानी कि मध्य जिसको बोलते हैं वो होगा 3, और 4:30 पर इसका मोक्ष हो जाएगा, यानी कुल मिला के 4:30 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस तरह से करीब 2:59 तक भारत में चंद्रग्रहण दिखाई देगा। चलिए मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप जितना भी हो सके भगवान के भजन कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, और हो सके तो पूरे टाइम
जो भी चंद्र ग्रहण का समय रहेगा, जितनी भी ड्यूरेशन उसकी हो, तो आप चंद्र के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय भगवान चंद्र को प्रॉब्लम होती है, उनको परेशानी होती है, तो उनको शक्ति देने के लिए आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान? तो चंद्र ग्रहण के दौरान कभी भी आप झूठ ना बोले, किसी से असत्य बात ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को प्रॉब्लम में ना डालें, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आप हरकत ना करें। और अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आपको चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चंद्र से आने वाली जो किरणें होती, कभी कभी जो नवजात शिशु है या जो बच्चा है उस पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण से इन लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। चाहिए।